पंजाब सरकार ने 2011 में सेवा का अधिकार कानून को मंजूरी दी थी, जिसके बाद एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के जरिए लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया, लेकिन कांग्रेस ने अब इस आयोग पर ही सवाल उठा दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष चरणजीत सिंह चन्नी का आरोप है कि यह आयोग पंजाब के राजस्व पर बोझ है और राज्य सरकार अपने चहेतों को इस आयोग में भर्ती कर रही है। सेवा का अधिकार कानून यानी राज्य के कर्मचारी एक तय समय सीमा के अंदर काम करेंगे, कानूनी तौर पर जवाबदेह होंगे और लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पंजाब कैबिनेट ने राइट टू सर्विस विधेयक 2011 को मंजूरी दी थी, लेकिन अब इसी सेवा के अधिकार आयोग पर सवाल उठने लगे हैं। सूबे की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसे तुरंत बंद करने की मांग की है। कांग्रेस का तर्क है कि ये आयोग राजस्व पर एक बड़ा बोझ है, क्योंकि शिकायतें आ नहीं रही और राज्य सरकार अपने चहेतों को आयोग में शामिल कर रही है। ये बड़े अच्छा एक्ट आया सी, लेकिन पंजाब सरकार ने इन लोगों तक पहुँचाया नहीं, ते अपने बंदे भर के उन्होंने ऐश करा रहे हैं। पिछले 5 सालों के इन्होंने 12 करोड़ रुपया ये खर्चा, एक चिट्टा हाथी बन के रह गया है। सिर्फ 30,000 कंप्लेंट्स ये को आईया, जेडिया के एक आम थाने इन 5 सालों कंप्लेंटा आ जाए। चरणजीत सिंह चन्नी के मुताबिक इस आयोग में 7 और कमिश्नरों को जगह दी गई है। चन्नी की माने तो आयोग की स्थापना के बाद से करीब 29,019 शिकायतें मिली, जिनमें से 28,978 का निपटारा किया गया। आयोग का एक बड़ा स्टाफ है, एक मुख्य आयुक्त, 5 आयुक्त, 1 सचिव और 54 सहायक स्टाफ के सदस्य हैं। 2011-12 के वार्षिक बजट में इस आयोग के लिए राज्य सरकार ने 82 लाख रुपए का बजट रखा, जबकि 2012-13 में ये राशि 258 लाख तक पहुंच गई। इसी तरह 2013-14 में आयोग का बजट 269 लाख था, तो वहीं 2014-15 में 241 लाख और 2015-16 में 274 लाख रुपए बजट रखा गया। चन्नी आंकड़ों के जरिए सरकार को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सेवा का अधिकार आयोग की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं शिरोमणि अकाली दल के नेता आयोग का महत्व बता रहे हैं और कम होती शिकायतों को आयोग की कामयाबी करार दे रहे हैं। जो ग्राउंड के उत्ते स्थिति इंप्रूव कर रही है, अगे एक एक सुविधा केंद्र सीगा, राइट टू सर्विस एक्ट उत्थे लागू होंदा ना, जिथे लोगों की खज्जलखुआरी सी। हुण 2200 के करीब पंजाब दे विच रूरल एरिया दे विच भी, अर्बन एरिया दे विच भी जिहड़े आ उह वक्रे सर्विस सेंटर बन गए। हुण जिहड़ी सुविधा एक थां मिलदी सी उह 2200 थावां दे उत्ते मिलण लग गई। जिहड़ी घट एप्लीकेशन आउणी आ, इह इंप्रूवमेंट दी निशानी। दलजीत सिंह चीमा ने चन्नी को जवाब दिया, तो वहीं कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता मदन मोहन मित्तल ने भी कांग्रेस को निशाने पर लिया। तो उन्होंने कुछ किया नहीं, असी जिहड़े एक्ट बनाए, जिहड़ी राइट टू सर्विस एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू फूड एक्ट, इन्हां दा नारे मारे, असी रियलिटी च दित्ता। खैर, ये तो जनता तय करेगी कि सेवा के अधिकार आयोग से उन्हें पिछले 5 सालों में कितना फायदा मिला है और कर्मचारी कितने जवाबदेह हुए, लेकिन फिलहाल तो आयोग को लेकर सियासत गर्मा गई है। चंडीगढ़ से जगतार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।